What is so nihal? एनआईडी फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक एवं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर मेरे मित्र श्री सतनाम सिंह संधू जी, एनआईडी फाउंडेशन के सभी सदस्यगण और सभी सम्मानित साथीगण, आप में से कुछ लोगों को पहले से जानने का मिलने का अवसर मुझे मिलता रहा है। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। यहां प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पड़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है। भाइयों और बहनों, जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो वहां भी जब सिख समाज के साथियों से मिलता हूं तो मन गर्व से भर उठता है। 2015 की मेरी कनाडा यात्रा आप में से कई लोगों को याद होगा, और दल्ला जी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब से जानता हूं। ये कनाडा के लिए 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्टैंड अलोन बायलेटरल विजिट थी, और मैं केवल ओटावा और टोरंटो ही नहीं गया था। मुझे याद है तब मैंने कहा था कि मैं वैंकूवर जाऊंगा और मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां गया, गुरुद्वारा खालसा दीवान में मुझे माथा टेकने का सौभाग्य मिला, संगत के सदस्यों से बहुत अच्छी बातें हुई। इसी तरह 2016 में जब मैं ईरान गया तो वहां भी तेहरान में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन का एक और अविस्मरणीय क्षण फ्रांस में नव शपेल इंडियन मेमोरियल की मेरी यात्रा भी है। ये मेमोरियल विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देता है, और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाइयों की थी। यह अनुभव इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है, और मैं इसके लिए हर संभव प्रयास भी करता रहता हूं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है। नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे, हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। पहले कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, भारत को कहां से वैक्सीन मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचेगा,
लेकिन आज भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा है। श्री अकाल, करोड़ों वैक्सीन डोज हमारे देश में लगाई चुकी है। आपको भी सुनकर गर्व होगा कि इसमें भी 99% वैक्सीनेशन हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन से हुआ है। इसी कालखंड में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनकर के उभरे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत का ये बढ़ता हुआ कद, ये बढ़ती हुई साख, इससे सबसे ज्यादा किसी का सर ऊंचा होता है तो वो हमारे डायस्पोरा का है। क्योंकि जब देश का सम्मान बढ़ता है तो लाखों करोड़ों भारतीय मूल के लोगों का भी उतना ही सम्मान बढ़ जाता है, उनके प्रति दुनिया का नजरिया बदल जाता है। इस सम्मान के साथ नए अवसर भी आते हैं, नई भागीदारियां भी आती हैं और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। हमारे भारतीय डायस्पोरा को तो मैं हमेशा भारत का राष्ट्रदूत मानता रहा हूं। सरकार जो भेजती है वो तो राजदूत है, लेकिन आप जो है राष्ट्रदूत है। आप सभी भारत से बाहर मां भारती की बुलंद आवाज है, बुलंद पहचान है। भारत की प्रगति देखकर आपका भी सीना चौड़ा होता है, आपका भी सिर गर्व से ऊंचा होता है। परदेश में रहते हुए आप अपने देश की भी चिंता करते हैं, इसलिए विदेश में रहते हुए भारत की सफलता को आगे बढ़ाने में, भारत की छवि को और मजबूत करने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं कहीं पर भी जाइए, उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहब तक, हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। भाइयों और बहनों, आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है।
साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारी संस्कृति और विरासत को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है, क्योंकि आजादी के लिए भारत का संघर्ष केवल एक सीमित कालखंड की घटना नहीं है। इसके पीछे हजारों साल की चेतना और आदर्श जुड़ी थी। इसके पीछे आध्यात्मिक मूल्य और कितने ही तप त्याग जुड़े हुए थे। इसलिए आज देश जब एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाता है, तो साथ ही लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी मनाता है। श्री अकाल गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी पूरी श्रद्धा के साथ देश विदेश में मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व का सौभाग्य भी हमें ही मिला था। साथियों, इसके साथ ही इसी कालखंड में करतारपुर साहब कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ। आज लाखों श्रद्धालुओं को वहां शीश नवाने का सौभाग्य मिल रहा है। लंगर को टैक्स फ्री करने से लेकर हरमिंदर साहब को एफसीआरए की अनुमति तक, गुरुद्वारों के आसपास स्वच्छता बढ़ाने के लेकर उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने तक देश आज हर संभव प्रयास कर रहा है। और मैं सतनाम जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से वीडियो को संकलित करके दिखाया, पता चल सकता है कि पूरी श्रद्धा के साथ हर क्षेत्र में किस प्रकार से काम हुआ है। आप लोगों से समय समय पर जो सुझाव मिलते हैं, आज भी काफी सुझाव मेरे पास आपने दिए हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उनके आधार पर देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। साथियों, हमारे गुरुओं के जीवन की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो है हमारे कर्तव्यों का बोध। आजादी के अमृत काल में देश भी आज कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। एक कर्तव्य केवल हमारे वर्तमान के लिए नहीं है, ये हमारे और हमारे देश के भविष्य के लिए भी है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उदाहरण के तौर पर आज पर्यावरण देश और दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है। इसका समाधान भारत की संस्कृति और संस्कारों में है। सिख समाज इसका जीता जागता उदाहरण है। सिख समाज में हम जितनी चिंता पिंड की करते हैं, उतनी ही पर्यावरण और प्लेनेट की भी करते हैं। प्रदूषण के खिलाफ प्रयास हो, कुपोषण से लड़ाई हो, या अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हो, आप सभी इसी तरह के हर प्रयास से जुड़े नजर आते हैं। इसी श्रृंखला में मेरा आपसे एक आग्रह भी और है। आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव में देश ने के सभी जिलों में, यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवर का संकल्प लिया है। आप भी अपने पिंडों में अमृत सरोवरों के निर्माण का अभियान चला सकते हैं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें आत्मसम्मान और मानव जीवन के गौरव का जो पाठ पढ़ाया, उसका भी प्रभाव हमें हर सिख के जीवन में दिखता है। आजादी के अमृत काल में यही आज यही देश का भी संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका
सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है गुरुओं के आशीर्वाद से हम सफल होंगे, जल्द एक नए भारत के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका यहां आना वो मेरे लिए संगत से भी बहुत ज्यादा है और इसलिए आपकी ये कृपा बनी रहे। और मैं हमेशा कहता हूं ये प्रधानमंत्री निवास स्थान ये मोदी का घर नहीं है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, ये आपका है। इसी भाव से, इसी अपनेपन से हमेशा हमेशा हम मिलकर के मां भारती के लिए, हमारे देश के गरीबों के लिए, हमारे देश के हर समाज के उत्थान के लिए हम अपना कार्य करते रहें। गुरुओं के हम आशीर्वाद हम पर बने रहें। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु के फतह। धन्यवाद।